देखिए, सीजन से पहले की एक रूटीन बैठक होती है और व्यवस्थाएं जो आगामी सीजन की होती है उसके बारे में प्रशासन की बैठक होती है, जिलावर होती है और शिमला जिला जो है सेब उत्पादन में नंबर वन है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए यहाँ की बैठक को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सारे यहाँ पर व्यवस्थाएँ तय की जाती है, चाहे उसमें दाम हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं, गाड़ियों की अवेलेबिलिटी है, चाहे अन्य कुछ समस्याएँ हैं, वो सारी यहाँ जिलाधीश महोदय के माध्यम से दी जाती है। आज की जो सबसे बड़ी हमारी बात थी वो थी ट्रांसपोर्टेशन की, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो संयुक्त किसान मंच और अन्य सभी संगठन कई वर्षों से किलोमीटर और वजन के हिसाब से मांग कर रहे हैं कि भी हमारी व्यवस्था भी ऐसी हो जैसे पूरी दुनिया में कोई भी उत्पाद है, कोई भी वस्तु है, वो वजन और किलोमीटर के हिसाब से जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ सेब को जो है पेटी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन इस बार सरकार ने जो है यूनिवर्सल कार्टन और 24 किलो की एक फिक्सेशन की है, तो इस बार जो है ये रिफॉर्म्स की वर्ष हम इसे मान रहे हैं और इसमें जो है इस बार जो है ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी गुड्स और पैसेंजर जो एक्ट है उसके तहत जो है तय किए जाए और उसके मानक जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से, सभी चैनल्स के माध्यम से बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है सीमेंट का भी जो है एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का एक इशू रहा और उसमें दाम तय किए गए हैं, तो क्यों नहीं सेब के भी ऐसे दाम किए जाते हैं, सब्जी के भी, टमाटर के भी। यहाँ जो है किसानों बागवानों के लिए जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अगर मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए आपको कहना चाहूँगा, चंडीगढ़ से जो है अगर आपका सेब चेन्नई जाता है 2400 किलोमीटर दूर, तो वो 180 से 200 रुपए वहाँ से जाता है और अगर रोड़ू से जो है चंडीगढ़ जाता है तो वहाँ 100 रुपए दाम होते हैं, जहाँ 200-250 किलोमीटर में, तो इतना डिफरेंस क्यों है? और ये हम चाहते हैं कि किलोमीटर के हिसाब से हो और आज सरकार ने भी माना है, जिलाधीश महोदय ने कहा है कि हम इसे सरकार तक पहुँचाएंगे। और एक बड़ी बात और हुई इस पर हुई कि बैरियर जो हमारे लिए यहाँ शोगी बैरियर में बाकी किसी उत्पाद पर हिमाचल प्रदेश में जो है टैक्स नहीं वसूला जाता, लेकिन यहाँ 3 रुपये जो है वो लूट मचाई है एपीएमसी ने, 3 रुपये किसानों बागवानों से लूटी जाती है और उसमें बोला जाता ये है कि भी हम जो है बायर से उसको जो है वसूलते हैं, जबकि वो बागवानों से भी वसूली जाती है, जिसकी हम बार बार आग्रह करें, उसको बंद करने का भी हमने आग्रह किया है। और अगर ये समय रहते सरकार ने बंद नहीं किया तो मजबूरन हमें वहाँ पर एक आंदोलन करना पड़ेगा बड़ा, ये एक बात। नंबर दो, एक हमने आज सरकार को जिलाधीश महोदय के माध्यम से कहा है कि पेटियों के जो दाम है पिछले वर्ष आसमान छू रहे थे, इस वर्ष जो है जो हमारा क्वार आता है वो भी बहुत सस्ता है, दुनिया का क्वार जो है वो बहुत सस्ता है और जब दुनिया का क्वार सस्ता है और साथ में जो हमारी जो हमारा पेपर बनता है, अगर आप मुजफ्फरनगर यूपी के आसपास की जितनी सारी बड़ी मिलें उसमें पता करेंगे 15 से 20 रुपये सस्ता है, तो क्यों नहीं इस बार जो है बागवानों को सस्ता, कम से कम 15 से 20 रुपये सस्ता कार्टन मिले। और जो हमारा पैसा MIS का सरकार के पास है लगभग 85-86 करोड़ रुपये, वो पैसा भी हमारा जो है 85-86 करोड़ रुपया वो भी तुरंत जो है उसका भुगतान कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। आज मेरे साथ जो है हरिचंद रोच जी भी है, जो हमारे भीष्म पितामह माने जाते हैं यहाँ बागवानों के, तो इनके इनसे भी आप थोड़ा सा जानकारी जो है गुड्स और पैसेंजर टैक्स के बारे में।